Okay, so today we continue chapter 12, money. We are going to explain page number 128. So all of you open math book, page number 128. All of you open page number 128. Okay, so all of you open page number 128. Now today we do make the given amount using different combinations of coins. अभी क्या कह रहे हैं? आपको जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट दिया गया है लाइक सिक्स रुपीज ही दिया गया है, ठीक है। और क्वाइंस आर अवेलेबल वन टू एंड फाइव। हमारे पास कितने क्वाइंस है? ओनली थ्री क्वाइंस है, जिसमें से एक सिंगल क्वाइन है, वन सिंगल क्वाइन है 1 रुपीज का। जो सेकेंड क्वाइन है वो है 2 रुपीज का, और जो थर्ड क्वाइन है वो है 5 रुपीज का, ठीक है। सो 1 रुपीज क्वाइन है, 2 रुपीज क्वाइन है और 5 रुपीज क्वाइन है, और हमें इन कॉम्बिनेशन से ही ये जो ऑल 5-6 रुपीज है इनको कॉम्बिनेशन देना है क्वाइंस में। ओके, सो फर्स्ट इज 6 रुपीज क्वाइन। तो हम 6 रुपीज क्वाइन, जो 6 रुपीज का अमाउंट है, हम कौन कौन से क्वाइंस लेंगे? Yes, Akshans. Give the answer, Akshans. मैं 1 plus 1 plus 1 plus 2. Okay, so आप कह रहे हैं 1 के कितने क्वाइन लेने हैं, Akshans? 3 क्वाइंस। Okay, write करते हैं। One प्लस वन प्लस वन। ओके, 3 क्वाइंस ले लिए 1 के। 1 plus 1 plus 1 is equal to 3 हुआ। 1.2 का लेना है। 1.2 का ले। ओके, सो हमने 1.2 का लिया। अभी कितने हुए? 5 रुपीज हुए ओनली। This is only 5 rupees. So here one और लेंगे. Okay, so one का हम एक single coin और ले लेते हैं। So 1 plus 2. Okay, so this is 6 rupees हो गए। Yes. Yes, ma'am. This is 6 rupees हो गए। So 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 जो क्वाइंस है हमने 1 रुपीज के लिए, तो 4 रुपीज हो गए, प्लस 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। सो अब 4 क्वाइन 1 रुपीज के लेंगे, एक सिंगल क्वाइन 2 रुपीज का लेंगे, 6 रुपीज हो गया। अब नेक्स्ट 6 फिर से है, सो हु गिव द आंसर। डिफरेंट पैटर्न्स लेना है। यस अन्वी, गिव द आंसर। Two plus one. Okay, very good. Now you say 2 plus 1 plus 1. So Anvi says 2 coins हम 2 रुपीज के लेंगे, कितने हो जाएंगे? 4 रुपीज हो जाएंगे, और 2 coins 1 रुपीज के लेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, सो वेरी गुड। 2 plus 2 plus 1 plus 1, नेक्स्ट इज ऑल्सो 6 रुपीज। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन बताएगा? हु गिव द आंसर? सुप्रत। यस सुप्रत, गिव द आंसर। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 3 plus 3। नो, 3 तो क्वाइन ही नहीं होता। नो, 3 का तो कोई क्वाइन नहीं दिया है आपको,
और थ्री का कोई क्वाइन भी नहीं होता, वन टू फाइव प्लस वन प्लस वन प्लस टू टू प्लस पहले आप टू के क्वाइन बताइए कितने यूज करेंगे. टू के थ्री थ्री सीधे यूज करेंगे. टू 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 के टू क्वाइन तो अनवी यूज कर चुकी है. आपको पैटर्न डिफरेंट बताना है सुब्रत. टू के आप डायरेक्ट थ्री क्वाइन टू के थ्री क्वाइन. ओके सो टू के थ्री क्वाइन टू प्लस थ्री क्वाइंस. ओके सो टू प्लस टू प्लस टू टू के अगर हम थ्री क्वाइंस लेंगे तो सिक्स रुपीस हो जाएंगे. यस सो टू प्लस टू फोर एंड फोर प्लस टू सिक्स रुपीस. ओके तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन लेने हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो सिक्स रुपीस. अब आपको पैटर्न चेंज करना है. सो हु गिव द आंसर. जानवी. यस जानवी गिव द आंसर. फाइव प्लस वन. वेरी गुड. कॉम्बिनेशन आपने चेंज कर दिया फाइव प्लस वन. ओके सो दिस इज ऑल्सो राइट. फाइव प्लस वन. सो फाइव प्लस वन इक्वल टू सिक्स. हम सिंगल क्वाइन जो हमारा क्वाइन है वो सिंगल क्वाइन लेंगे फाइव रुपीज का. हमें ओनली सिंगल क्वाइन ओनली वन क्वाइन लेना है फाइव रुपीज का और वन क्वाइन लेने है वन रुपीज का. ओके सिक्स रुपीज हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो सिक्स रुपीज. सो हु गिव द आंसर. ओके हु गिव द आंसर. Iram. Yes, Iram, give the answer. Ma'am, 3 plus 3. 3 ka coin nahi hota, aur na hi aapko diya hua hai. Only 1, 2 aur 5 ke coin use karne hai. मैंने क्वाइन नहीं यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, सिर्फ आपको उनके नंबर्स राइट कर दिए. आपको पैटर्न भी डिफरेंट बनाना है. गिव द आंसर. ओके सो आई गिव द आंसर्स. हम सिक्स क्वाइंस लेंगे वन रुपीज के. ये देखिए आप सबने डिफरेंट बताए हैं पर सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं. सो अगर हम 1 के 6 क्वाइन ले तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. ओके सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6. ओके सो अगर हम 6 टाइम्स 1 के कॉइन लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना. इस तरह से आपके पैटर्न्स कंप्लीटेड हो जाएंगे. ओके सो 1 के हम 6 कॉइंस ले लेंगे और कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट है. इज दैट क्लियर. सो दिस वाज पेज नंबर 128. ओके ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड पेज नंबर 128. यस मैम. नाउ टर्न योर पेज पेज नंबर 127. पेज नंबर 129. नाउ टर्न योर पेज नंबर 129. Discuss with your friend and guess the price. अच्छा अब यहाँ पे बहुत सारी things दी हुई है like pen, okay? Like pen दिया हुआ है,
बेड दिया है जिसकी प्राइस दी हुई है ₹20। ओके, आप सब जानते हो ना बेड टू यू। ओके, सो बहुत सारी थिंग्स है, पेंट है, बुक है, कलर है, क्रेयॉन्स कलर, ठीक है, वैक्स कलर आप लोग यूज करते होंगे ड्राइंग के लिए, झाड़ू दी हुई है, ब्रूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉच दी गई है और काइट दी गई है। अब आपको वन बाय वन इनकी प्राइस गेस करने हैं, ये कितने का आपको मार्केट में मिलेगा। ओके, सो वन बाय वन गिव द आंसर। हम पेंट से शुरुआत करते हैं, पेंट हमें कितने की मिलेगी मार्केट में, एनीवन गेस द प्राइस, कोई आंसर देगा मुझे? अक्षांस, ओके अक्षांस गिव द आंसर। अक्षांस को पता है पेंट कितने की मिलेगी। ओके, अगर हम मार्केट पेंट परचेज करने जाए तो कितने की आएगी पेंट? डू यू वियर पेंट, फुल पेंट? ओके, सो गिव द आंसर, कितने की मिलेगी? आप अपने मम्मा की हेल्प ले सकते हैं इसमें ना, मम्मा आपको बता सकती है कितने की आती है। मैम 100 रुपीस की? नो, 100 रुपीस की आएगी। ओके, हर्ष में भी है, हर्ष गिव द आंसर। मैम 500। 500, इतनी कॉस्टली? ओके, सो हर्ष सेज 500 और अक्षान सेज 100 रुपीस। सो मोस्टली 300, 200 और 300 की आती है, ठीक है प्राइस। अच्छा, कौन सा सही है? सुब्रत आल्सो से, सो सुब्रत यू गिव द आंसर। 500। ओके, सुब्रत इज आल्सो सेज 500। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग रेट यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे किसी ने सुब्रत और हर्ष ने बताया 500 और अक्षांस ने 100 रुपीज ही। ओके, तो अगर हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से पेंट परचेज करते हैं, सो लेने जाएंगे, तो मेरी समझ से अबाउट 300 तक की पेंट आ जाएगी। ओके, सो हियर वी राइट डाउन रुपीज 300। रुपीज 300 राइट किया, तो इस तरह से सबको राइट करना है। ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन। तो कुछ नहीं है, और लोग मैम 10 रुपए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बुक। नेक्स्ट थिंग इज बुक है, आपको बुक की रेट बतानी है। ओके, सो रेज योर हैंड्स और अपनी मैथ बुक के रेट की बात करते हैं, ठीक है। आप सब मैथ की बुक यूज करते हैं, मैथ मैजिक, तो हम अपनी बुक का ही रेट इसमें डालते हैं कि हमारी मैथ की बुक कितने की आई थी, ठीक है। सो हियर वी राइट डाउन। ओके, हु गिव द आंसर कि मैथ की बुक। ओके, तो आप सब मैथ की बुक देख सकते हैं, पेज नंबर शुरुआत में, ओके, सेकंड पेज में ही उसके रेट दिए हुए हैं। ओके, दिस साइड पे मैथ की बुक आपकी जो आई तो उसकी प्राइस है, ठीक है। अनपी रेज योर हैंड, यस अनपी गिव द आंसर। अनपी गिव द आंसर 60। ओके, वेरी गुड। ओके, सो अगर हम बुक में देखें तो 65 राइट है, बट 60 की आई होगी। ओके, सो हियर वी राइट डाउन। सो हियर वी राइट डाउन 60। ओके, नाउ बुक इज 60 की है। नाउ थर्ड इज क्रेयॉन्स, थर्ड है क्रेयॉन्स। जानवी गिव द आंसर, क्रेयॉन्स कितने के आएंगे जानवी? वंस अगेन, व्हाट वेट? 100 रुपीस। 100 रुपीस? नो, ओनली 10
10 रुपीज और 20 रुपीज वैक्स कलर। ओके, तो ये आपको मार्केट वैल्यू बताने के लिए है। सो हम यहाँ पे रुपीज 20 राइट करेंगे। ओके, आप मार्केट में जब कभी अपने मदर के साथ जाइए तो प्राइस जरूर चेक करिए। ओके, सो रुपीज 20, ओके 10 to 20 आपको क्रेयॉन्स कलर मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्रूम। नेक्स्ट थिंग इज ब्रूम है, मैं इसमें आपकी हेल्प करती हूँ, आप कभी ले लेने जाते होंगे। नाउ रुपीज 50, ओके समथिंग 50 रुपीज की आपको ब्रूम मिल जाएगी। ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन। एंड लास्ट इज, लास्ट टू थिंग इज काइट एंड वॉच। ओके, सो लास्ट इज काइट एंड वॉच। सो अगर हम वॉच उसकी काइट की बात करें, ओके सो काइट कितने की आएगी, काइट की वैल्यू क्या होगी, काइट की प्राइस, ओके सो रुपीज 5 to 10। ओके, ओनली रुपीज 5 to 10। अगर 5 रुपीज की आपको मार्केट में 1 काइट अवेलेबल होगी। ओके, एंड वॉच, अब यहाँ पे वॉच की बात करें तो वॉच क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की वॉच डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस की आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम छोटी वाली आप लोगों की वॉच की बात करते हैं तो रुपीज 250 समथिंग आपको नॉर्मल वॉच मिल सकती है। ओके, रिस्ट वॉच मिल जाएगी बच्चों वाली, ठीक है। अगर आपके लिए वॉच लेने जाए तो छोटी वॉच हमें नॉर्मली 250 समथिंग अबाउट मिलेगी, ठीक है। सो दिस वॉज पेज नंबर 129। This was page number 129. Okay, so all of you. Now today's homework in your math notebook. All of you completed? I hope all of you completed. So close your math book and open your math notebook. Open your math notebook. Open your math notebook and note down this book. आपको different patterns बनाने हैं, so मैं आपको coin दे रही हूँ, आपके पास coin है 5 rupees, 2 rupees and 1 rupees की क्वाइट से इस राइट डाउन। So right now we are talking about using different combinations of coins. अब हमें coins को use करना है और different combinations बनाने हैं। First is ₹7. Next is 8 rupees and 4 rupees.
9 rupees and 4 days. And 5 is also 10 rupees. Okay, आपको amount दे दिए हैं मैंने. First 7 rupees का आपको 7 rupees बना दिए हैं. आप 5 के ऊपर working कर दिए हैं तो आप कैसे बनाएंगे? Now next is 8 rupees, third 9 rupees. For 10 rupees and 5 is also 10 rupees. अब दो टेक्स्ट आपको 10 rupees दिए हैं, तो आपके कॉम्बिनेशंस अलग अलग होने चाहिए, आपके क्वाइंस अलग अलग यूज कर रहे होने चाहिए. ओके, ऑल ऑफ यू राइट डाउन, ऑल ऑफ यू राइट डाउन होमवर्क. We allow them any doubts or query. Page number 128 and 129. आपको कुछ पूछना है? Any doubts? Any query? No, ma'am. आपने होमवर्क नोट किया? Ma'am. Yes.